पहली जो हमारे पास खबर है जी, ब्रेन ऑफ द ईयर के हवाले से है। पाकिस्तानी सानिया आलम को डिक्लेयर किया गया है जी, ब्रेन ऑफ द ईयर का खिताब उन्हें दिया गया है 2023 और 2024 का। मतलब जो 2024 में जब फरवरी में ही दोबारा से ये जो है होगा, सिस्टम दोबारा से शुरू होगा, तब कोई और नॉमिनेट होगा। और जो जनवरी का पीरियड होगा 2024 का, उसमें भी यही रहेंगी ब्रेन ऑफ द ईयर। और ब्रेन ट्रस्ट यूके ने जी इनको ये खिताब दिया है कि इतनी ज्यादा जहीन लड़की जो है ये है पूरी दुनिया की, मतलब इस साल के लिए जो है। और इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, आपका IQ लेवल भी टेस्ट किया जाता है। और IQ लेवल में अभी रिसेंटली हमने खबर शेयर की थी, एक बच्चे का IQ लेवल बहुत ज्यादा निकला है जब उसकी ये चीजें देखी गई कि उसने छोटी सी उम्र से बहुत कुछ लर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। सो इसी तरीके से ये बच्ची पाकिस्तानी बच्ची है, और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से हम लोग स्पोर्ट्स में देख रहे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में देख रहे हैं, कभी जाके हम कहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कभी कुचेला की तरफ, कभी ग्रैमी की तरफ, और इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे उभरते हुए सितारे सामने आ रहे हैं। और हम लोग अक्सर जो बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी है, तो ऐसा नहीं है। टैलेंट अपना रास्ता खुद जो है वो तलाश कर लेता है। और इसी तरीके से ये बच्ची भी सामने आई, और इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सही मानों में अगर तवज्जो मिले, सही मानों में अगर उन पर पूरी तरीके से मेहनत की जाए, उनकी एजुकेशन पे, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर, उनके एक्सपोजर के ऊपर, तो ये दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान की बहुत सारी तादाद जो है वो पढ़ी लिखी शुमार की जाएगी। हमारे लिटरेट आवाम जो है, लिटरेसी का जो एक क्राइटेरिया है उसको भी चेंज करना चाहिए। और उसके अभी बाद तो इन लोगों पे इतने ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाता, फिर भी ये लोग उभर के पूरी दुनिया के सामने आते हैं। आप सोचें कि अगर सारे बच्चों पे इतना ध्यान देना शुरू कर दिया जाए तो फिर कोई बच्चियां निकले, कई जो है वो बच्चे निकले और कई लोग इस तरीके से सामने आए।